नमस्ते प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं में बीजगणित विषय में दो चार अंकों वाले रेखीय समीकरण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, इस समय जो आपको वक्त मिला है, समय मिला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा गया है, समय नियोजन सुख के भंडार की कुंजी है। और संबंधित बच्चों के अभिभावकों से भी मेरी गुजारिश है कि विद्यालय द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विद्यालय, SVN इंग्लिश स्कूल द्वारा जो भी ऑनलाइन शिक्षा हेतु वीडियो जारी किए जा रहे हैं, उन पर खुद भी देखें और अपने बच्चों को भी कहें कि उसको ध्यान से देखें। करना कुछ नहीं है, बस दो चार बार ध्यान से देख लें और काम बन जाए। तो इसी प्रकार से मैंने वीडियो बनाया है और उसको आप ध्यान से देखें। यहाँ पर दिए गए युगपत समीकरण को हल करना है। इसके पहले से संबंधित वीडियो बने हुए हैं, लेकिन ये अलग सवाल है, इसलिए इसके लिए वीडियो बनाना जरूरी है। प्रश्न है, 2/x ऋण 3/y बराबर 15, 8/x धन 5/y बराबर 77। अब हम जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो समीकरण है वो x y बराबर कोई संख्या। यहाँ पर x जो आप देख रहे हैं हर में है, यहाँ भी हर में y है, दूसरे समीकरण में x जो है हर में है और y जो है हर में है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमें सवाल को हल करने में काफ़ी असुविधा होगी। तो इसे सुविधाजनक ढंग से हल करने के लिए यहाँ पर देखिए, हमने लिखा है उपर्युक्त समीकरणों में 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर n लिखने पर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2/x में 1/x छिपा हुआ है। कैसे? 2/x बराबर 2/1 गुणे 1/x, यह देखें 1/x यहाँ छिपा हुआ है और इसी 1/x की जगह पे m रखना है। तो 2 का गुणा m में हुआ तो 2m और 1 बटे में है। अब उसे आप लिखें या ना लिखें वो उसका कोई अर्थ नहीं है, आप सीधे 2m लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस 2/x की जगह पर यहाँ पर 2m लिखा गया है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर 3y आपको दिखाई पड़ रहा है, 3y, और इसे भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 3/y को आप लिख सकते हैं 3/1 गुणे 1/y। यहाँ 1/y जो है इसका मान क्या है, n। 3 का गुणा आपने n किया तो 3n, बटे में 1 लिखे या न लिखे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 3n लिखा हुआ है और 15 पहले से ही है। तो इस प्रकार से आपका समीकरण नंबर 1 बना। ऐसे ही ठीक कार्य हमें समीकरण नंबर 2 में के लिए करना है। 8/x का मतलब 8m, 5/y का मतलब 5m बराबर 77। 8m यहाँ पर लिखा गया प्लस 5m बराबर 77, समीकरण नंबर 2। अब प्यारे बच्चों, हमें ध्यान देना होता है कि क्या चरांकों के गुणांक समान हैं। यदि नहीं है तो करने होते हैं, या तो m वाले गुणांक समान करने होंगे या तो n वाले। हम यहाँ पर देख रहे हैं निरीक्षण के द्वारा हमें पता चल रहा है कि m का गुणांक यहाँ पर 8 है और यहाँ m का गुणांक 2 है, यहाँ पर n का गुणांक -3 है और यहाँ पर n का गुणांक 5 है, यानी अलग अलग है। तो आप स्वतंत्र हो, चाहे m वाला आप बराबर कर दो या फिर n वाला गुणांक बराबर कर दो। तो मैंने m वाले को बराबर करने की यहाँ पर कोशिश की है समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर। समीकरण 1 में 4 से गुणा कर रहे हैं तो देखिए, 4 × 2 = 8, 8m यहाँ मैंने करके दिखाया है, 4 × 2m। आप सीधे सीधे लिख दें इसे गुणा करके इस लाइन को, या दिखा देवें दोनों चलेगा। तो 4 × 2 = 8m, फिर 4 का गुणा यहाँ पर 3 में 4 × 3 = 12, देखिए यहाँ करके दिखाएं 4 × 3 = 12, तो 12m बराबर, फिर 4 का गुणा देखिए यहाँ पर किया 15 में, तो 4 × 15 यानी 60, यानी आपको ये मिला है 8m - 12m बराबर 60 है, समीकरण नंबर 3 है। अब आप देखेंगे, विचार करेंगे कि भाई ये समीकरण नंबर 3 किससे बना है। तो आप देखेंगे कि समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 1 से बना है। अब इसकी फिलहाल हमें आवश्यकता नहीं है, हम केवल 2 और 3 पर विचार करेंगे। तो समीकरण 2 और 3 पर हम विचार कर रहे हैं, तो देख रहे हैं 8m यहाँ भी है, 8m यहाँ भी है और 8m यहाँ भी है, तो यह प्लस 8m यह भी प्लस 8m, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 3 को आप हटा दीजिए। समीकरण 2 ऋण समीकरण 3, यहाँ पर समीकरण लिखा गया है, समीकरण 2 है आपका और ये समीकरण 3 है। घटाते समय यहाँ घटाने का निशान दिखाते हैं और जो दूसरा समीकरण है उसके प्रत्येक पद के चिन्ह बदल देते हैं, यानी धन 8m है तो ऋण 8m हो गया, ऋण 12n है तो धन 12n, और धन 60 है तो ऋण 60।
अब आप देख रहे हैं ऋण आठ्यम और धन आठ्यम, इसको हम जोड़ेंगे तो शून्य हो गए क्योंकि चिन्ह विपरीत है, संख्याएं समान है। इसके साथ अब आगे देख रहे हो 5n + 12n, इसको आप जोड़ोगे तो 17n हुआ, और 77 में से आप 60 घटाएंगे तो 17 मिलेगा। बहुत आसान है, दोनों पक्षों में 17 से आप भाग देंगे तो आपको एक मिलेगा। यह हमने कोष्टक में लिख दिया दोनों पक्षों में 17 से भाग देने पर। अब समझिए 50% काम आपका लगभग हो गया है, यन का मान मिला है। यही यन का मान आप जो भी आसान और सरल समीकरण है वहां पे आप मान रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए समीकरण एक में यन बराबर एक रखने पर, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने समीकरण एक में यन बराबर एक रखने पर, समीकरण एक को मैंने यहाँ लिखा है 2m - 3n = 15, यन का मान एक रखना है। देखिए यन का मान मैंने यहाँ पर एक रखा है, बाकी चीजें वैसे ही है, 2m - 3 × 1 = 15, 3×1=3, सब कुछ वैसे ही है, 2m - 3 = 15, 3.5 बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में जाएगा प्लस होगा, 15 × 3 = 18, तो आपको मिला 2m = 18, m बराबर दोनों पक्षों में 2 से भाग दिए हैं तो 18 में 2 से भाग देंगे, 2×9 = 18, बहुत आसान है। आपको m और n का मान मिल गया। अब प्यारे बच्चों आपको फिर से m और n आप देख रहे हो कि आपके प्रश्न में मूल रूप में x y है, हमें x y का मान ज्ञात करना है न कि m n का मान ज्ञात करना है, लेकिन इसी m तथा n के मान के आधार पर हम आगे अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, m बराबर 1/x तथा n बराबर 1/y पुनः प्रतिस्थापित करने पर ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, m बराबर 1/x तथा n बराबर 1/y पुनः प्रतिस्थापित करने पर। अब थोड़ा ध्यान देंगे आप पुनः प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ आप देख रहे हैं यम का मान कितना मिला है 9, तो यम की जगह हम 9 रखेंगे, 9 = 1/x। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या या अक्षर के बटे हर में एक लिख सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए तीरे गुणा कर रहे हैं, एक का गुणा एक में करेंगे तो हमें एक मिलेगा, 9 का गुणा x में करेंगे तो 9x मिलेगा, ये आपका हुआ 9x = 1 × 1 यानी x बराबर दोनों पक्षों में 9 से भाग देंगे तो 1/9। ये देखिए आप x का उत्तर प्राप्त कर लिए, x का मान मिल गया। अब इसी प्रकार से हम n का मान ज्ञात करेंगे, आप चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं या फिर नीचे भी लिख सकते हैं, n बराबर आपका 1/y है आप यहाँ देख रहे हैं, यानी n का मान कितना मिला हमें, 1 मिला है, तो 1 = 1/y। और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी संख्या या अक्षर के बटे में हम एक लिख सकते हैं, तो एक का गुणा वाई में करेंगे वाई मिलेगा, एक का गुणा एक में करेंगे एक मिलेगा, यानी y = 1। हम अपने उत्तर पर पहुंच गए, लेकिन मैं जैसा आपको बताया हूं कि थोड़ा सा जांच लेना जरूरी है, जांचना इसलिए जरूरी कि x का मान 1/9 मिला है। देखिए कहां x वाला कोई समीकरण है आपको दिख रहा है, यहां पर जो हमारा मूल समीकरण वही है, तो यहां पर आप 2/x है, अगर मैं x का मान 1/9 रखूंगा, आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देना है, एक्स्ट्रा मैं आपको बता दे रहा हूं चेक करने के लिए, ऐसा परीक्षा में कभी भी आप चेक कर लेंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि आपका सवाल सही है या गलत, तुरंत जांच लेंगे। देखिए इस लाइन को मैं आपको जरा समझा रहा हूँ, थोड़ा सा रफ कार्य में चलते हैं। आपका जो मूल समीकरण है बच्चों 2/x - 2/x - वहाँ दिया है 3/y = 15। अब आपको x का मान कितना मिला है 1/9, तो 2/1/9 - 3/y का मान कितना मिला है 1 मिला है, क्या यहाँ पे 1 मिला है, ओके बराबर 15। ये देखिए आप 7वीं-8वीं में सीख चुके हैं, यह जो है 2/1/9 है, इसका मतलब क्या होगा, भिन्न के भाग का जो दूसरी भिन्न होती है उसके गुणात्मक पदों से गुणा करते हैं, यह दूसरी भिन्न है, यानी ये कैसे 2/1/9 मतलब 2×9/1 मतलब कितना 18। ये देखिए 2×9 में करेंगे तो आपको 18 मिलेगा, यहाँ पे आप जो रख कार्य हुआ है दूसरे वाले में आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आप -3 ही मिलेगा बराबर 15, यहाँ है 3 में से अब समझ चुके होंगे 18 में से 3 घटाएंगे तो आपको 15 ही मिलता है, मतलब बायां पक्ष यहाँ भी 15 और दायां पक्ष में भी 15,
इसका मतलब हमने जो हल प्राप्त किया है x बराबर 1/9 और y बराबर 1 एकदम बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आप उत्तर लिख दीजिए यहाँ पर दिए गए युगपत समीकरण का हल x बराबर 1/9 तथा y बराबर 1 है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको एक सवाल हल करके दिखाया गया। अब इसी प्रश्न से संबंधित आपको गृह कार्य मिलेगा और आप उसको घर पर हल करिए। गृह कार्य में आपको लिख के थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ पर दाहिने पक्ष में है आपको ध्यान देना है। आपको गृह कार्य के लिए मैंने आपको प्रश्न 35 से लिखे हैं और उसको आप कर सकते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है आपका 2/x - 3/y = 15, फिर है 8/x + 5/y = 11। पहला समीकरण। दूसरा सवाल है, पहला सवाल है, दूसरा सवाल है आपका 4/x + 5/y = 7, सेमीकोलन 3/x + 4/y = 5। तीसरा है आपको, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हो प्यारे बच्चों आपको दो सवाल दिया गया है। इसको और भी आप कोशिश कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत होगी तो आप शुक्रवार तक मुझे पूछ सकते हैं। शुक्रवार के लिए आपके लिए व्हाट्सएप रिलीज किया जाता है और शनिवार को आपको इसका निदान कर दिया जाएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।